मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि बिल का विरोध करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कृषि बिल का विरोध करना किसानों के साथ द्रोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह बिल किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लाया गया है। इससे किसानों को फायदा होगा और वह अपनी उपज को कहीं भी बेच सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए यह 3 बिल लाए गए हैं। किसानों को अपनी उपज को कहीं भी बेचने का अधिकार है। किसान चाहे तो अपनी उपज को मंडी या फिर मंडी के बाहर बेच सकते हैं। उन्होंने कहा फसल बोते समय यदि कोई करार करके तय कीमत बता दे तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है। यदि किसान को उचित दाम मिल रहे हैं और किसान अपनी फसल बेचता है तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है। अगर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन करके स्टॉक लिमिटेड को अनलिमिटेड कर दिया तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है। जब अधिक खरीदी होगी तो किसानों को अधिक मूल्य मिलेगा। शिवराज ने कहा झूठ बोलना भ्रम फैलाना यह कांग्रेस की फितरत है। पीएम मोदी का नाम सुनकर कांग्रेसी सपने में भी चौंक कर उठ जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। यह केवल मोदी का विरोध नहीं है, यह किसानों का भी विरोध है जिसे देश और मध्य प्रदेश का किसान कभी सहन नहीं करेगा। किसान द्रोही है, ये कृषि बिलों का विरोध करना, ये किसानों के साथ द्रोह है। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दीर्घकालिक रणनीति बनाई है ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके, और इसलिए 3 बिल आए अपनी उपज को कहीं भी बेचने का अधिकार, मंडी या मंडी के बाहर। अगर कोई करार करके पहले से कीमत बता दे कि इतना पैसा देंगे बोते समय, कांग्रेस को क्या आपत्ति है। घर पे ही ठीक दाम मिल रहे हैं और किसान किसी को बेचता है, कांग्रेस को क्या आपत्ति है। अगर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके जो स्टॉक की लिमिट तय थी उसको अनलिमिटेड कर दिया तो ज्यादा खरीदी होगी तो ज्यादा कीमत मिलेगी, कांग्रेस को क्या आपत्ति है। लेकिन झूठ बोलना भ्रम फैलाना ये कांग्रेस की फितरत है, और मोदी जी का नाम सुनकर तो सपने में भी चौंक चौंक के उठ जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। ये केवल मोदी जी का विरोध नहीं है, ये किसानों का विरोध है जिसको देश का किसान और मध्य प्रदेश का किसान कभी सहन नहीं करेगा। ये 3 बिल किसान हितैषी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए का हम इसके लिए अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।